हाँ जी, फिर से डिस्कस करते हैं। देखिए, ये कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ग्रीन कलर का पेन ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के एक्शन, और कॉइल में करंट है। अब करंट इस कॉइल में है ऐसे। इस करंट के दो आपने वेक्टर बनाए, एक ये वेक्टर हो गया और दूसरा वेक्टर ये बन गया। दिस वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये कॉइल है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और एक ये वाला। तो अब हमें कौन सा कंसिडर करना है? ये वाला कंसिडर करना है। ये थीटा है आपका मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के फेस के बीच में बना हुआ एंगल। तो ये कॉस कंपोनेंट, ये साइन कंपोनेंट। ठीक है, अब लगाएं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आप तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। देखिए ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट। तो फिर फोर्स कहाँ आएगी? इनटू द डाउनवर्ड आएगी। बात समझ आई या नहीं? नहीं, अब भी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है, अपवर्ड आनी चाहिए फोर्स। ये हाँ जी, ये वाली जो ये कॉयल, कॉयल की देखिए इस वाली आर्म पर फोर्स है मुझसे आपकी तरफ को, जो यहां एक्चुअली जो यहां कैसी आ रही है? परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन आ रही है। ये वाली कौन सी वाली आर्म पर? पी क्यू आर्म पर परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन है। मैंने इसको ऐसे कर दिया तो ये आप फोर्स मुझसे आपकी तरफ को है, और इस वाली आर्म पर कौन सी है? आर एस आर्म पर फोर्स है आपसे मेरी तरफ को। इसके साथ साथ क्यू आर आर्म पर फोर्स हो गई कहां? अपवर्ड इन द प्लेन ऑफ कॉइल। ऐसे है फोर्स यहां जैसे कोई इसे सीधे सीधे ऊपर खींच रहा है, इन द प्लेन। ध्यान दीजिए, ये वाली फोर्स इन द प्लेन ऑफ लूप नहीं है, ये मेरी डायरेक्शन है। प्लेन ऑफ लूप ये रहा, जबकि फोर्स है परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन, है ना? यानी मुझसे आपकी तरफ को, और यहां आपका ये प्लेन है पूरा और फोर्स है आपसे मेरी तरफ को। समझ रहे हो? जबकि यहां आपकी फोर्स है ये, बिल्कुल इन द प्लेन ऑफ लूप, जैसे कोई इसे ऊपर खींच रहा हो सीधे। और इसी तरह से ये नीचे वाली फोर्स आ जाएगी आपकी एसपी पर, कहां? डाउनवर्ड, जैसे कोई इसे सीधे नीचे खींच रहा हो। देखिए ध्यान से, एक अपवर्ड फोर्स है जैसे उसे ऊपर कोई खींच रहा है, एक डाउनवर्ड फोर्स है जैसे नीचे खींच रहा कोई। दोनों फोर्सेज इक्वल है, सेम प्लेन में है, सेम लाइन ऑफ एक्शन पर है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगी। लेकिन ये वाली जो फोर्स है, एक फोर्स ये और एक फोर्स ये, मेरी उंगलियों की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन है, ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन एक दूसरे के लाइन ऑफ एक्शन पर नहीं है। तो दोनों फोर्स अपोजिट है क्योंकि इक्वल है, नेट फोर्स तो जीरो हुई, लेकिन क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, देयरफॉर दिस पेयर टेंड्स टू रोटेट द कॉइल। ये पूरा का पूरा पेयर, एक फोर्स वो जो मुझसे आपकी तरफ लग रही है, एक फोर्स वो जो आपसे मेरी तरफ लग रही है, ये दोनों फोर्स मिलकर के इस कॉइल को क्या करते हैं? रोटेट करने की कोशिश करते हैं। और रोटेटिंग इफेक्ट हम फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ टॉर्क। किसकी टर्म्स ऑफ फाइंड करते हैं? इन टर्म्स ऑफ टॉर्क। अब हमें इस कॉइल के साथ साथ जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ, इसमें एक डायग्राम हमें अभी और ड्रॉ करना है, एक डायग्राम और ड्रॉ करना है। देखिए ध्यान से, अगर ये देखिए, इस वाली आर्म पर फोर्स है मुझसे आपकी तरफ को, इस वाली आर्म पर फोर्स है आपसे मेरी तरफ को। ठीक है, अब अगर आप इसे यहां से देखने लगे, यहां से देखने लगे ऊपर से, इस वाली आर्म से कहां से देखें? क्यू आर, क्यू आर आर्म से ऊपर जाकर के देखें। यानी यूं समझिए, कॉइल को यहां से देख रहा हूं मैं ऊपर से, तो मुझे क्या दिखाई देगा? केवल आर, ये क्यू आर लाइन दिखाई देगी केवल। और इस क्यू के नीचे पूरी की पूरी दबी हुई है कौन सी आर्म? पी क्यू। और इस आर के नीचे दबी हुई पूरी आर्म आर एस। और इस क्यू आर पर फोर्स लग रही है ऐसी, और यहां फोर्स लग रही है ऐसे। तो दोनों फोर्सेस हमें कौन कौन सी दिखाई देंगी इस टाइम? फोर्स एफ वन वैक्टर और एफ थ्री वैक्टर, एफ वन वैक्टर एफ थ्री वैक्टर, एफ टू और एफ फोर आपस में बैलेंस कर गए। तो एक डायग्राम हम यहां और बना रहे हैं। एक फोर्स ये वाली लग गई आपकी, इसको मैंने लिखा एफ टू वैक्टर, है ना? और एक फोर्स यहां पी एस पर है, ये वाली फोर्स लिखी एफ फोर वैक्टर। तो अब
ये वाली फोर्स आपकी हो गई थी आर एस पर, और ये फोर्स एफ टू वैक्टर, ये पूरा निकल कर आया, कहां है ये, कहां है ये? इन द प्लेन ऑफ लूप, इन द प्लेन ऑफ लूप अपवर्ड्स, ठीक है। इसी तरह एफ फोर कितना होगा, एफ फोर इज इक्वल टू भी वही निकल कर आएगा, बी बी और आई साइन थीटा, कहां, इन द प्लेन ऑफ लूप और डाउनवर्ड्स। हेंस एफ टू वैक्टर एंड एफ फोर वैक्टर ये क्या करते हैं, बैलेंस ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, करेक्ट। उसके बाद सिंस एफ वन वैक्टर एंड एफ थ्री वैक्टर आर इक्वल एंड अपोजिट एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, हेंस फॉर्म अ कपल, कपल दैट टेंड्स टू गिव अ रोटेशनल रोटेशनल इफेक्ट टू द कॉइल। और रोटेशनल इफेक्ट फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना है टॉर्क, टॉर्क कितना फाइंड होगा। अब देखिए ध्यान से, यहां हम एक डायग्राम और ड्रॉ कर रहे हैं, एक डायग्राम और ड्रॉ कर रहे हैं हम, जिसमें कि कॉइल को देख रहे हैं कहां से, ऊपर से। तो हमें क्या दिखाई दे रही है, केवल आर्म दिखाई दे रही है, केवल कौन सी, क्यू आर, ये कौन सी आर्म दिखाई दे रही है, ओनली एंड ओनली क्यू आर, पी एस के ठीक नीचे बनाएंगे आप इसे, ठीक है, पी एस के ठीक नीचे बनाएंगे, क्यू आर आर्म है, और इस क्यू आर पर फोर्स लग रही है कितनी, एफ वन वैक्टर। तो ये आपकी बनी क्या बोलिए, एफ वन वैक्टर। और इस आर एस पर देखिए, ये पॉइंट है क्यू, ये पॉइंट है आर, आर के नीचे पूरी की पूरी साइड है आर एस, तो इस पर फोर्स कितनी लग रही है, इस पर फोर्स लग रही है एफ थ्री, करेक्ट। अब इन दोनों फोर्सेस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फाइंड करना पड़ेगा टॉर्क फाइंड करने के लिए। तो आपने एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, अच्छा इसकी क्यू आर की लेंथ कितनी है, देखिए इस क्यू आर की लेंथ है कितनी, बी, स्मॉल बी, क्लियर है बात इतनी। और इस क्यू आर का एंगल, ये फिर से बना रहा हूं मैं एक मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ में प्लेन ऑफ कॉइल के बीच में एंगल कितना बना हुआ है, कितना बना हुआ है, ये एंगल बना हुआ है थीटा, ओके। चलो इससे आगे का बाद में करेंगे। तो टॉर्क क्या है, देखिए ध्यान से आप, मैं इस पॉइंट का नाम टी रख देता हूं। टॉर्क क्या है, वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस कितनी है, टी आर, करेक्ट। ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल थीटा है, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली ये एंगल भी आपका क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना बना, टॉर्क आपका बना वन ऑफ द फोर्स मतलब एफ वन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस कितना है, टी आर। तो एफ वन है, एफ वन की वैल्यू कितनी है, बी आई एल, और टी आर कितना होगा बताओ, ये टी आर की वैल्यू कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ बी, इन टर्म्स ऑफ बी कितना होगा, ये हो जाएगा आपका बी कॉस थीटा, ये बना बी कॉस थीटा, कौन से ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, क्यू टी आर के अकॉर्डिंग। तो इसको आपने लिखा बी कॉस थीटा, करेक्ट। अब आपके पास ये बन गया बी आई लेंथ इंटू ब्रेथ को मैं लिख लूं क्या, एरिया इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी ये कॉस थीटा आ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ समथिंग, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा होता है। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा चेंज किया हमने, क्या
बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिए। इस कॉइल के प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है, कॉइल के प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। देखो ध्यान से, ए ये तो था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के प्लेन के बीच का एंगल कितना, थीटा। और अब कॉइल की प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है, परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ कॉइल पर, ये प्लेन ऑफ कॉइल पर परपेंडिकुलर है, दिस इज द प्लेन ऑफ कॉइल और प्लेन ऑफ कॉइल पर परपेंडिकुलर है। तो आप बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड और इस परपेंडिकुलर के बीच में कितना एंगल होगा, 90 माइनस थीटा होगा। इस एंगल को हम लिख रहे हैं क्या, अल्फा। क्या लिख रहे हैं इसको, अल्फा लिख रहे हैं, ठीक। मैं इस एंगल को लिख लेता हूं, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड और परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल, इनके बीच में एंगल क्या है, ये अल्फा है, करेक्ट। वापस यहां जाइए, देखिए तो टॉर्क इज इक्वल टू बी आई ए, थीटा क्या होगा बताओ, थीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा क्या होगा भाई, देखिए ध्यान से आप, ये परपेंडिकुलर है, ये प्लेन है और अल्फा प्लस थीटा 90 डिग्री है, तो फिर ये बनेगा आपका 90 माइनस अल्फा, और 90 माइनस अल्फा कितना होता है बोलो, साइन अल्फा होता है, ठीक है। उसके बाद इफ द कॉइल हैज एन टर्न्स, कैपिटल एन, तो फिर अब टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा एन आई ए बी साइन अल्फा, और एन आई ए क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, पहले ही कर चुके हैं, एन आई ए इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन अल्फा। अब आ जाइए वेक्टर फॉर्म में इसे निकालने के लिए, कितना बनेगा वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म, हाँ, टाउ इज इक्वल टू, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर न्यूटन मीटर। ये आपका हो गया क्या, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जल्दी से इसे कर जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कितनी ही बार इसको पूछा जा चुका है। देखिए आंसर आपका फाइंड हुआ टाउ इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर स्केलर फॉर्म में एम बी साइन अल्फा, है ना। अब टाउ इज मैक्सिमम कब, व्हेन साइन अल्फा मैक्सिमम बन जाएगा, और साइन अल्फा मैक्सिमम का मतलब साइन अल्फा इज इक्वल टू वन, और इससे आपने क्या रिजल्ट निकाला, अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए 90 डिग्री। तो जब अल्फा की वैल्यू 90 होगी तो थीटा की वैल्यू कितना होगी, थीटा की वैल्यू जीरो होगी। अच्छा थीटा कौन सा एंगल है, थीटा एंगल है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और प्लेन ऑफ कॉइल के बीच का। ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ग्रीन वाला पेन और ये मेरी कॉइल, इनके बीच का एंगल थीटा है। अगर ये जीरो हो तो फिर अब बताइए आप मुझे प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से, मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से किस रूप में ओरिएंटेड है, प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ओरिएंटेशन क्या है इस टाइम, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये आपकी प्लेन ऑफ कॉइल, तो प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ओरिएंटेशन क्या है, प्लेन ऑफ कॉइल इज इन इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, समझे बात। और ए इस टाइम कैसा होगा ये ओरिएंटेशन दोनों के बीच, प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब ये हुआ क्या, टाउ इज मैक्सिमम कब, व्हेन द प्लेन ऑफ कॉइल, व्हेन ऑफ प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह से टॉर्क मिनिमम कब होगा, जब साइन अल्फा की वैल्यू मिनिमम हो, यानी साइन अल्फा जीरो, अल्फा की वैल्यू कितनी बनेगी जीरो, तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री।
टॉर्क इज मिनिमम व्हेन द प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जल्दी से कर डालिए।